अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो डिश मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो रेसिपी है पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस की। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप न्यू हैं। तो चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मेरे पास है 3 मीडियम टमाटोज। यहाँ मैंने लिए हैं शुगर 1 टेबल स्पून। यहाँ है मेरे पास ब्लैक पेपर एंड गरम मसाला, जो मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून क्रश्ड यानी के फ्लेक्स चिली फ्लेक्स। और यहाँ मैंने लिया है गार्लिक पेस्ट, लिया है 1 टीस्पून। 4 छोटी सी मासूम सी चिलीज ली है मैंने। सूखा धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, पर आप एज पर योर टेस्ट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने लिया है ऑरिगेनो पाउडर या फ्लेक्स कह सकते हैं इसे। और यहाँ मैंने लिया है इंग्लिश थाइम फ्लेक्स। तो यहाँ है हमारे पास सोया सॉस एंड विनीगर सॉस टू गिव सम इटालियन टेस्ट। चलते हैं डिश को बनाने की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है पैन और इसमें पानी लिया है 1/2 कप और उसे मैंने बॉईल कर लिया है। अब बॉईल्ड पानी के अंदर हम ऐड करेंगे टमाटोज, जो मैंने बिल्कुल 4/4 पीस में काटे हैं, और मैं इन्हें तब तक पका लूँगी जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो आप देख सकते हैं कि टोमेटो सॉफ्ट हो गए हैं। मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखिए टोमेटोज़ हैं सॉफ्ट इसके अंदर। अब मैं ऐड करूँगी अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स, लेकिन इससे पहले मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो मैं टोमेटोज़ को ग्राइंडर के अंदर डाल रही हूँ ताकि मैं इसकी प्यूरी बना सकूँ। और ग्रीन चिलीज़ मैंने इसे 1 राउंड दिया है, फिर इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड करके इसे दोबारा ग्राइंड किया। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट के अंदर टर्न हो गई है और इसकी स्मेल बिल्कुल कैचअप की तरह लग रही है। तो मैंने पैन को रीवॉश कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है ऑयल। टर्न ऑन द फ्लेम एंड ऐड द गार्लिक पेस्ट। मैंने इसके अंदर गार्लिक पेस्ट ऐड कर ली है और मैं इसे थोड़ा सा सौते करूँगी। इसके अंदर मैंने अपनी टोमेटो प्यूरी डाल दी है। टोमेटो प्यूरी को थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसके अंदर अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर शुगर ऐड किया है। शुगर डाल के मैंने इसे थोड़ा सा पकाया है। मैं हर बार चीज़ इंग्रेडिएंट डालने के बाद उसे 1 राउंड ज़रूर देती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर दिया है और ये जा रहे हैं इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स और फिर से राउंड एंड राउंड। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी थिक हो चुकी है। तो इसके अंदर टाइम है कि मैं अपना गरम मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर डाल दूं। और यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सूखा धनिया। थोड़ा सा विनीगर, थोड़ा सा सोया सॉस और यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया अपने इंग्लिश थाइम और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ओरिगानो पाउडर फॉर द इटालियन फ्रेग्रेंस। तो अब ये है बिल्कुल तैयार। इसे थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल थिक पेस्ट में चेंज हो गई है। तो ये टोमेटो प्यूरी बन गई है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।